तारीक पे तारीक, तारीक पे तारीक कहिंदे प्रधानमंत्री दे रहे आ। अब कहते 20 को, कभी कहते 30 को, कभी कहते 4 को, जितनी तो तारीख वकील भी नहीं देता है जितनी तारीख मोदी जी ने दे दी। बताइए हम क्या करें। तो वो ठेकेदार भाग गया था, 3 दिन हुए थे गेट पास बनने में, तब तक ये बकबरी फैल गई। टिंडे में आकर सो गए कुत्ते वाली नींद, और हम घर जाना चाहते हैं। यहाँ जाते हैं तो हाईवे तक पुलिस वाले रोक लेते हैं, डंडा मारते हैं, कहते हैं जाओ कहाँ जाना है। हकीकत टीवी देखते सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रिपोर्टर नरेश शर्मा बठिंडा तो असी दिखाउण जा रहे थोनू बिल्कुल हकीकत। जिहड़ा ठेकेदार वल्लों प्रवासी मजदूर आ जिहड़े लेबर रखी गई सी लॉकडाउन तो बाद, ठेकेदार ने सारी लेबर अपनी नाले तक आप रहू चक्कर हो गया। उस तो बाद जिहड़ी ठेकेदार की लेबर सी वह बेचारी दर दर ठोकरां खा रही है। बठिंडे दे विच पहुँचे आ, कोई 40 किलोमीटर तो पैदल आया, कोई 60 किलोमीटर तो आया, कोई 100 किलोमीटर पैदल चल के रेलवे के ट्रैक पर पहुँचे आ बठिंडा दे विच। इस टाइम यह पटा मार्केट है जी बठिंडे की, अमरीक सिंह रोड पर रुके हुए हैं, गलबात करते हैं। की नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जी कुलदेव कुमार यादव। यादव जी कितने दिन से फंसे हुए हैं यहाँ? जी 21 तारीख 12 बजे रात से फंसे हैं। रात से जी? तो कहाँ से आए थे आप, कितने किलोमीटर चल के आए? हम जी कोटकपुरा से पैदल चल के आए हैं। कितने किलोमीटर जी? हमें तो पता नहीं कितने किलोमीटर है जी। किस रेलवे ट्रैक पे जी? पैदल आए जी। रेलवे लाइन पे हो गया है जी, पटरी होते आए, फिर उधर आगे रोक लिया हमें। अच्छा। से कुत्ता भोगने लगा तो बोला कहाँ जाओगे? तो मैं बोला ऐसा है बठिंडा रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ से गाड़ी पकड़ के चले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से चले तो फिर वहाँ पर उसने रोक लिया हमें, बोला यहीं सो जाओ। सोने के बाद जो सुबह उठाया उसने, चाय पिलाया मुझे, बोला ऐसा है कर्फ्यू लगा हुआ है, गाड़ी घोड़ा सारे बंद हो चुके हैं। तो मैं बोला अगर वहाँ जाएंगे तो कुछ तो खाने के लिए व्यवस्था तो हो जाएंगे। तो फिर यहाँ आया तो खाने खुने का व्यवस्था भी हो रहे थे, मिल रहे हैं जी। दो लेकर आते हैं सुबह, दो गाड़ी आते हैं। तो ठेकेदार कहाँ भाग गया वो? पता नहीं जी, वो बिहार का था, मैं नहीं जानता था, लेकिन पैसा दे देता था वो। क्या काम करते थे वो जी? लेबर के काम करते थे। अच्छा। जी ठेकेदार अब कहाँ? अब पता नहीं ठेकेदार वहाँ है कि नहीं, अब हम लोग रोज के काम करते थे उसके पास। चला गया छोड़ के? अब पता नहीं जी, हमें तो पता नहीं, हम तो इधर चले जा रहे हो। अभी आप बिहार पैदल जाओगे? पैदल कैसे जाएंगे जी, अब एक दिन का रास्ता थोड़ी ना। वहाँ से फिर यहाँ आए तो फिर यहाँ खाना खुना मिल रहे, तो अभी यहाँ ही पर टिके हैं। सोचे गाड़ी खुल जाएंगे तो चलेंगे, तो अब बोला 15 को खोलेंगे, 14 को खोलेंगे, वो भी नहीं खोला। तो हमारे पास तो पैसे तो है नहीं कि हम कि सवेरे कमाते सी ते शाम नू खांदे सी। ए वो बंदे है मजदूरी करते है, ठेकेदार है जिहड़ा उन्हां दा छड्ड के चला गया। कोटकपुरा तो पैदल चल के जिहड़े आए है, रेलवे दे ट्रैक है जिहड़ी लाइन ते खतरे वाला काम सी। रात नूं पहुंचे ये, सुबह दे चले हुए। किन्ने दिन हो गए तुहानूं इत्थे पहुंचण ते किन्ना समां लग्गिया? तो सुबह चले, रात 2 दिन रख लो जी। दो दिन अकेले थे हम, 2 दिन लग गए भूखे प्यासे। बिल्कुल भूखे प्यासे जिहड़े प्रवासी मजदूर आ, 2 दिन लग गए इहनूं कोटकपुरा तो बठिंडा पहुंचण ते, पैदल चल के आए आ। होर भी साडे नाल जिहड़े प्रवासी आ, दूरों चल के पैदल चल के आए। किन्ने किलोमीटर? की नाम आ? मेरा नाम पंकज है, मैं उत्तर प्रदेश से बरेली ज़िले से हूँ, और यहाँ रामा में काम करता था। तो वो ठेकेदार भाग गया था, 3 दिन हुए थे गेट पास बनने में, तब तक ये भुखमरी फैल गई। उससे पहले काम मिलता, फिर वो भाग गया, फिर हम वो वहाँ से 40 किलोमीटर हाईवे से चल के आए थे। वो उस दिन रात में बारिश हो रही थी और सन्नाटा छाया हुआ था, ठंड सी लग रही थी, भूखे तड़प रहे थे, और आते ही नहीं है सुबह 6 बजे हमने बठिंडे में आकर सो गए कुत्ते वाली नींद। हमने आ तो लोगों से पूछा हमने माहौल कैसा है, खाना उना मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? कुछ लोगों ने बताया हमारे लिए यहाँ पे खाना मिल जाएगा, पट्टा चौक पे गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ खड़े हो जाओ। हम यहाँ पे खड़े हो गए तो फिर एक गाड़ी आई थी जिसमें कि हम लाइन में लगे हुए थे, उसके साथ खाना लिया। एक दिन खाना मिला, दूसरे दिन के लिए वो गाड़ी नहीं आई। ऐसी घटा पड़ा के खाना मिलता है यहाँ पर, और फिर हम यहाँ रात में यहीं सोते हैं, देख लो मच्छर काटते हैं हमारे लिए,
हम चैन से सो नहीं पाते हैं, रात भर लेटरिन बाथरूम सब चीज़ की प्रॉब्लम है। कहाँ जाएं, पटरियों पे लेटरिन करने जाएं, क्या करें, गंदगी फैलाएं तो और बीमारी फैलेगी। देख लो यहाँ तो 250-250 बंदे हैं करीब, ज़्यादा ही होंगे। हाँ, और हम घर जाना चाहते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जाए। हम 40 किलोमीटर पैदल चल के आए थे वहाँ से यहाँ तक, और हम घर जाना चाहते हैं। यहाँ जाते हैं तो हाईवे तक पुलिस वाले रोक लेते हैं, डंडा मारते हैं, कहते हैं जाओ कहाँ जाना है। तो हम बताते हैं कि हमें अपने घर जाना है, वो कहते हैं जाओ जहाँ से आए हो वहीं जाके बैठ जाओ, कहीं नहीं जाओगे। डंडे मारते हैं, 2-4 बार डंडे मार चुके हैं। हम मंडी हाईवे तक गए थे मगर कोई रास्ता नहीं मिला हमें, नहीं कोई वाहन चलता हुआ दिखा हमें, नहीं तो कहीं से कहीं तक कुछ दिखा। 15 तारीख के उनके बयान थे, वो भी 15 तारीख को ट्रेनें नहीं चल रही हैं। अब कहते हैं 20 को, कभी कहते हैं 30 को, कभी कहते हैं 4 को। जितनी तो तारीख वकील भी नहीं देता है, जितनी तारीख मोदी जी ने दे दी, बताइए हम क्या करें। बिल्कुल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कहते प्रधानमंत्री दे रहे हैं। लैटरिन बाथरूम करनी औखे हुए हैं, लैटरिन बाथरूम वो है नहीं इतने बने हुए, जाना पैंदा खुले दे विच जाना पैंदा इन्हां नूं। चाह पानी की दिक्कत है, एक दिन रोटी मिल जाती है, एक दिन नहीं मिलती, बड़ी समस्या। 40 किलोमीटर तो पैदल चल के आए है, 40 किलोमीटर ये पैदल चल के आए, ठेकेदार इन्हों का जोड़ा वो भज गया। दिक्कत आ रही है घर पहुँचना, जे बाहर निकलते हैं तो पुलिस का डंडा, पुलिस तो डरते हैं, जान तो कितने जान। ये प्रवासी आ इस टाइम 200 के करीब आ, 200-250 के करीब प्रवासी है जोड़े इतने बठिंडा की पटा मार्केट के रुके हुए आ, जिहड़ी शरण लैती हुई है क्योंकि दूरों दूरों चल के आए हैं, कोई कोट कपूरा तो, कोई मानसा तो, कोई रामा मंडी तो रुके हुए है। जब तक लॉकडाउन सी उस दिन तो लैके अज तक है, पर इन्हां दी इच्छा हैगी भी लॉकडाउन जदों खुल जाएगा तो असी अपने घर वापस चले जाएंगे, अपने बच्चों नाल, साडे बच्चे भी आ। तुसी कित्थों है? हुशियारपुर तो जी। हुशियारपुर तो जी। अच्छा, इत्थे असीं काम करन वास्ते आए थे, घर जाना चाहते थे, फस गए थे, इसलिए इत्थे इतनी सुविधा भी नहीं थी। मच्छर मक्खी काटते हैं रात को, लेटरिन बाथरूम भी जाना हो तो भी दिक्कत आती है, नहाने में भी दिक्कत है। हाँ जी, घर घर आसमान में सो रहे हैं। हाँ जी, खुले आसमान में सो रहे हैं, बहुत परेशानी है, दिक्कत। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ जी, करते मजदूरी करते हैं, इसलिए घर जाना चाहते हैं। रोटी मिल जाती पर उतना ही नहीं, कई बार भूखे भी रह जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, सारे परेशान आ, प्रवासी मजदूर आ जिहड़े घरे जाना चाहते आ, रुके हुए इत्थे। क्या कहना चाहोगे आप? हम भी पूर्णिया बिहार के हैं। अच्छा, बिहार के? हाँ, हम भी फंसे हुए हैं। कितने दिन हो गए? बस जिस दिन से कर्फ्यू चालू था उस दिन से यही। कहाँ से? बठिंडा के? आप सिरसा से आए थे? हमने पैदल आए हो? हाँ, सिरसा से पैदल पैदल आए। कितना किलोमीटर हो गया? ये ट्रेन पे लगता है 40 रुपया। 40? हाँ, अब इतना जोड़ लो कितना किलोमीटर दूर है, 200 किलो से ज़्यादा हो। पैसे खत्म हो गए। सरसा तो पैदल चल के आए हैं, सरसा तो बठिंडा पहुँचे है, तकरीबन 200 किलोमीटर पैदल चल के पहुँचे है। सारे प्रवासी है, कोई 40 किलोमीटर, कोई 60, कोई 200 किलोमीटर। जेडे ठेकेदार से उन्हों का वो आप रफू चक्कर हो गया, ये बेचारे इतने फसे हुए कितने जान। दिक्कत एक बड़ी खड़ी हो गई, तो कहते रात को मच्छर लड़ता, बीमार आ, एक कई 200 के करीब प्रवासी मजदूर आ जोड़े इतने फसे हुए आ। तो इन्हों की यही मंग है भी डेट तो डेट बधी जाती है, तो जान का साडा कोई प्रबंध है नहीं। जे प्रोग्राम बन जाए कोई इस तरह, सानू कोई गड्डी बन मिल जाए, प्रशासन सानू छड्डे आवे, पर इस तरह का हो नहीं सकता। ये थोनू ग्राउंड लेवल की जिहड़ी रिपोर्टिंग दिखाई है, किवें लोग है जिहड़े प्रवासी फसे हुए आ। मैं नरेश शर्मा, हकीकत टीवी, बठिंडा।